अब इस टाइम में होता क्या है, वास्तु पुरुष पे जब उन्होंने 45 देवता दे दिया, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं या आपको बता रहा हूं, दोनों ही समझिए। ये त्रेता युग में, त्रेता युग के लोगों के लिए, जब लोग रजस में आ रहे थे, रजस की एनर्जी को देख रहे थे, उस टाइम के आदमी के लिए ये क्वेश्चन था कि 45 तरह की एनर्जी फील्ड थी उनके पास। त्रेता युग के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद आज कलयुग में, जिसमें आदमी रजस की एनर्जी में ही खेल रहा है दिन रात, तमस में ही जी रहा है, सत्व तो खत्म कर चुका, क्या अब भी 45 एनर्जी ही होनी चाहिए या 45 भी नहीं होनी चाहिए, एनर्जी बदल गई? उस टाइम में जियोपैथिक स्ट्रेस इस हद तक होता भी नहीं था, क्योंकि इतने मकान भी नहीं थे, वजन इतना पृथ्वी पर डला नहीं था, स्ट्रेस भी कम था। त्रेता युग में भी उस टाइम में इतने प्रॉब्लम्स को देखा गया, जीवन के इतने क्षेत्र को देखा गया, त्रेता युग की बात कर रहा हूं। इस युग में हम उस वाले, हम अंगूठा टेके हुए त्रेता युग में वास्तु के रूप में। तो ये आप इस क्वेश्चन का आप जवाब देना, मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या उस टाइम के जो प्रॉब्लम्स थे हमारे जीवन में वही प्रॉब्लम्स अभी भी हैं? उस टाइम में किसी ने सोचा भी होगा कि आज मैं इतने लाइट में काम कर रहा होगा? किसी ने सोचा भी होगा कि रात के 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे तक लोग चैटिंग कर रहे होंगे? किसी ने सोचा भी होगा कि वो एक ऐसा यंत्र आएगा जो कभी ऋषि मुनि एक दूसरे से जो बात कर लिया करते हैं, नहीं, हर कोई एक दूसरे से बात कर पाएगा और उस यंत्र का इतना दुरुपयोग करेगा कि वो दिन भर ऐसे करके हाथ में रखे रहेगा। इतनी बड़ी तमस एनर्जी पैदा होती है इस यंत्र से, जिससे हम और आप अभी कनेक्टेड हो रहे हैं, इतनी बड़ी तमस एनर्जी पैदा होती है। हम जब दिन भर ऐसे देख रहे होते हैं तो ठहराव में जीना शुरू कर देते हैं, अंदर ही अंदर ठहरना शुरू कर जाते हैं। क्या आज के टाइम में वही 45 देवता बचे हुए हैं? 45 एनर्जी फील्ड नाम दे दिया गया देवताओं का, और ये एनर्जी फील्ड है, और इसी तरह से आपका ये सारा होना शुरू हो गया। इन्हीं मुख से जिन देवता को पैदा किया गया, जो पूरब वाले मुख से पैदा किया गया, फिर उसको किसी से शादी करा दी गई, फिर उसका ये हो गया, फिर उसका वो हो गया। 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र के नाम आपको कहानी के रूप में दे दिया गया, कहानी के रूप में दे दिया गया, सारे नाम आप कहानी के रूप में पढ़ते गए और समझते चले गए कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है ये। अब आप एक कहानी समझिए, चंद्र, गुरु और बुध, 3 ग्रह हैं। चंद्र कब शादी करेगा और बुध और चंद्र में मतभेद क्यों है? गुरु का पुत्र बुध कैसे हो गया? ये कहानी है ना, एक ये कहानी क्या है इसको समझिए। ये कहानी ये है, गुरु ग्रह जो है वो बुध से उतना अच्छा कंपेटिबिलिटी अपने अंदर नहीं बैठता है, गुरु खुद को नहीं समझता है जो उस ग्रह पे जाके उन्होंने देखा होगा। चंद्र और बुध के बीच में बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं बैठती है, चंद्र तो समझता है, बुध नहीं समझता उसको। अब इसमें क्या किया, एक कहानी बना दी गई कि चंद्र ने गुरु के वाइफ के साथ दुर्व्यवहार करके बुध को पैदा किया। गुरु समझते हैं ये मेरा पुत्र है, चंद्र समझता है ये मेरा पुत्र है। बुध गुरु से बैर नहीं मानता मगर चंद्र से बैर मानता है, ये एक कहानी बना दी गई। उन्होंने ग्रह के और ये नक्षत्र के सबके रूप रंग ढांचा देख के आगे बढ़े कि अब ये कहानी एक ऐसी कहानी बनाओ जो आदमी भूले नहीं। अधिकतर पढ़ाने वाले जो अच्छे पढ़ाने वाले होते हैं उनका ये तरीका होता है, कहानी के माध्यम से समझा दो, कहानी के माध्यम से बातें बोल दो या कहानी बना लो, कहानी कहानी में सारी चीजें आ जाए। अच्छे पढ़ाने वाले होते हैं वो आपके लैंग्वेज में सिखाने आते हैं आपको। मैं पंचांग सिखाऊंगा आपको, अभी पंचांग के लिए जो हमने ग्रुप बनाया है दूसरा, उसमें पंचांग सिखाऊंगा आपको। पंचांग में 5 अंग जो हैं, 5 अंग को लेकर मुहूर्त बोध तक को मैं ऐसे हिंदी में कर दूंगा कि आपके दिमाग में सीधा घुस जाए। ये समझाने वाले की कैपेसिटी होनी चाहिए, समझाने वाले में इतनी अकल होनी चाहिए कि आदमी समझ कैसे जाए, उसके ब्लड में कैसे डाल देगा इस चीज को।
इसी ब्लड को डालने के चक्कर में उन्होंने कहानियां बनाई इतनी सारी। वास्तु पुरुष मंडल का यहीं पर जन्म हुआ, वास्तु पुरुष का जन्म भी यहीं हुआ, वास्तु पुरुष मंडल का यहीं जन्म हुआ। 45 देवता आपके 45 एनर्जी फील्ड हैं। आप जब देखेंगे जाके, अब आप सीधा समझिए, जो आपका ये वाला क्वेश्चन होता है, अब चलिए वास्तु पुरुष बना दूं, मैं आपको बना के समझा देता हूं। वास्तु पुरुष मंडल एक बार समझ गए ना ये है क्या, ये अंधविश्वास विश्वास वाली चीजें नहीं है, ये एक साइंस है। ऐसे 45 देवता को सेट करते हैं वास्तु पुरुष मंडल में, कैसे ये हमारे प्रॉब्लम को ठीक करते हैं और कैसे कैसे इस शास्त्र को बनाया गया, इतने गजब के लोग हुए हमारे बीच में। आप लोग मेडिटेशन से जुड़ते नहीं है, इस शास्त्र से जुड़ रहे हैं तो मेडिटेशन से जुड़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके। मेडिटेशन से बिना जुड़े इस शास्त्र से जुड़ेंगे समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये शास्त्र इशारा कर, जितने भी शास्त्र है ना वो इशारा करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचाते नहीं है, ये इशारा करने वाले शास्त्र हैं। शास्त्र केवल एक इशारा है, पहुंचना खुद होता है। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे तो शास्त्र को कैसे जान जाएंगे, मुश्किल है। ये मकान है आपका, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। वास्तु पुरुष मंडल में आप सबसे पहले, ये आपका ब्रह्म स्थान है, 25% ऑफ द प्लॉट एरिया ब्रह्म स्थान होता है हमेशा ही। और ये कैसे होता है ब्रह्म स्थान, आपका पूरा पेट जो है ना वो ब्रह्म स्थान है। अगर पेट में कोई परेशानी हो तो आपके जीवन में परेशानी हुई रहती है, आप ध्यान रखिएगा। पूरा शरीर परेशान रहता है, पेट तोंदू आदमी हमेशा तमस की एनर्जी में जी रहा होता है, इसलिए पेट, अगर पेट बढ़ा हुआ हो तो आदमी की पर्सनैलिटी खराब होती है। पर्सनैलिटी जो खराब दिखती है पेट बढ़ने से, ऐसा क्यों होता है कि पेट बढ़ने से पर्सनैलिटी खराब दिखती है, और पेट अगर सही हो सीधा हो तो पर्सनैलिटी अच्छी दिखती है। इसको, इसका मतलब ही यही है, ब्रह्म स्थान उसने खराब कर लिया। इसी में आप समझ जाएंगे, वास्तु पुरुष एक बार समझ गए तो मर्म स्थान समझ जाएंगे, मर्म भेदन समझ जाएंगे, मर्म का क्या होता है। ये वास्तु पुरुष का पैर आ गया, ऐसे लिटा दिया गया वास्तु पुरुष को। जो अब इसके पीछे कहानियां बहुत सारी, चार पांच तरीके की कहानी है इसके पीछे। आप ज्यादा कहानियों में मत जाओ, सीधा समझो कि ये अंधकासुर, ये अंधेरा ही है जो वश में नहीं आ रहा था, और ये अंधेरा किसी और का है भी नहीं, ब्रह्मा का है, जो रजस की एनर्जी को पैदा कर रहा था, बहुत ज्यादा रजस की एनर्जी को पैदा कर रहा था। अब ये देखिए, ये जो एरिया आप जाएंगे यहां पर, ये हो गया, ये वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष मंडल इसी तरह से है। पूरे घर को एक रूप, पुरुष के रूप में ले लिया गया, आदमी के रूप में ले लिया गया, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में ले लिया गया, और इसको इस प्रकार से लिया गया। नॉर्थ ईस्ट में उन लोगों को भी पता था, आज के टाइम में साइंटिफिक युग में हम आके देख भी रहे हैं, साइंटिफिक युग में हम आके देख भी रहे हैं कि ईस्ट से इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, नॉर्थ से मैग्नेटिक एनर्जी आती है। नॉर्थ ईस्ट में जब ईस्ट से इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, नॉर्थ से मैग्नेटिक एनर्जी आती है, और ये एनर्जी आके यहां पर नॉर्थ ईस्ट में आके टकराती है और ये पावरफुल सात्विक एनर्जी बनाती है।
अच्छी बैलेंस वाली एनर्जी बनाती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी होती है, ये एनर्जी जो बनाती है। अब इन लोगों ने क्या किया, सारे क्षेत्र में जितने भी आपके यहां पर हैं, जितने भी आपके इनके अंग हैं, उस पे इन्होंने उसी से संबंधित देवताओं को बनाना शुरू कर दिया। उसी से संबंधित जो देवता है या देवता को नाम दे दिया। अब यहां पर ये तो सिखी हो गए, यहां पर इन्होंने कान पे, दोनों कान पे दो देवता दे दिए, दोनों कंधे पे दो देवता दे दिए, स्तन, दोनों स्तन पे दो देवता दे दिए। अभी हम देवता फील्ड में जाएंगे या देवता के बारे में जब देखना शुरू करेंगे तब इसमें आपको समझ में आएगा सारा कि देवता कौन कौन से अंग पे, अगर आपका वो अंग खराब हो तो आप उस देवता को ठीक करने जाओ, वहीं से आपका काम होना शुरू हो जाएगा। ये आपका इस 25% ऑफ द प्लॉट एरिया ये होता है, ये पूरा। और अगर आप अपने जीवन में देखने जाओ 25% ऑफ द प्लॉट एरिया मतलब, या आपके 25% ऑफ द प्लॉट एरिया आपका क्या क्या होता है, नेवल, नेवल से नीचे स्वादिष्ठाना चक्र और नेवल से ऊपर अग्नि मणिपुरा चक्र। नेवल अगर डिस्टर्ब रहे, और एक आप ध्यान रखिए, एक बहुत पते की बात मुझे याद आ गई, एक जापान में एक समुदाय है, जैसे हमारे यहां छत्री होते हैं ना, जो ठाकुर और जाट वगैरह होते हैं, पहले योद्धा होते थे, छत्री होते हैं, ऐसी जापान में एक समुदाय है समुराई का। समुराई को सिखाया जाता है कि कैसे पेनलेस मृत्यु होती है, बिना पेन के कैसे मृत्यु होती है। समुराई को अपने जस्ट नेवल से नीचे, नेवल है ना, उससे जस्ट नीचे थोड़ी दूरी पे एक अंग है, उस पे अगर आदमी कट लगा दे तो बिना पीड़ा के मृत्यु हो जाती है, बिना दर्द हुए मृत्यु हो जाती है, दर्द होता ही नहीं है। अगर वो आदमी मरा हुआ हो, वहां पर कट लगा के मर जाए और मरा हुआ हो, तो आप उसके चेहरे पे सोए हुए जैसी भांति देखेंगे, आदमी सो रहा है, जैसे सो रहा होता है ना, वो भी ध्यानी आदमी सो रहा है, वो बेचैन आदमी नहीं सो रहा है, ध्यानी आदमी सो रहा है, ऐसा दिखेगा आपको वहां पर उसके चेहरे पे। वो बिना पेनलेस मृत्यु होती है, वहीं पर आपका जीवन होता है, जहां से मां से आप जो जीवन प्राप्त करते हैं, मां से आप जो जीवन देखते हैं, मां से आप जो जीवन देखते हैं, मां से आप जो जीवन प्राप्त करते हैं, वो नेवल के उसी अंग से, नेवल से। एक तो आपका नेवल हो गया 25% ऑफ द प्लॉट एरिया या 25% ऑफ योर बॉडी, इसका जो 25% है वो एक तो नेवल बीच का हो गया, नेवल से नीचे स्वादिष्ठाना चक्र और नेवल से ऊपर मणिपुरा चक्र, ये तीन चीजें तो आ ही गई। अगर वाटर किसी तरह से डिस्टर्ब हुआ तो पूरे शरीर में एलर्जी फैली रहेगी, 72% आपके शरीर में वाटर है, ब्लड में भी। अगर अग्नि डिस्टर्ब हुई तो आपका जीवन गया, बच क्या गया, तमस, ठोस, जो पृथ्वी तत्व है वो। तो आप देखोगे जब तोंदू लोग होते हैं ना, जिनका पेट भरा हुआ होता है या एज के बढ़ने से पेट बढ़ता चला जाता है, उनके में फुर्ती कम हो जाती है, फुर्ती मतलब अग्नि कम हो जाती है, और उनका बैलेंस कम हो जाता है, बैलेंस मतलब वाटर, उनका जीवन कम हो जाता है, नेवल को वो कहीं का छोड़ते ही नहीं। ये इसी तरह से अगर ब्रह्म स्थान में 25% ऑफ द प्लॉट एरिया, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो यहां पर तो सीधा सीधा ब्रह्म ही रहते हैं, दोनों स्तन पे, यहां पर तो भूधर और अयरमा हो गए ये दो स्तन पे, और इस पे सिखी और सिखी ये हो गए, दिति और परजन्य हो गए, ये दोनों दो देवता हो गए कान पे। और इसको आप देखेंगे उस देवता का जो एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं इन देवताओं के, वो उसी तरह से कि राइट ब्रेन से जो सोचेगा, राइट कान से जो सुनेगा, वो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में याद करने के लिए जाएगा, नए नए आइडियाज के लिए जाएगा। ये जो आएंगे हम इन क्षेत्र पे जब आएंगे तो इसको देखेंगे कैसे 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 करके उन्होंने खूबसूरती से डिजाइन किया इस वास्तु पुरुष को। इसका मतलब कतई ये नहीं होता है और कभी भी ये नहीं होता है कि आप इसको ऐसे मान लो कि यहां कोई वास्तव में वास्तु पुरुष मंडल है या कोई मंदिर बना के वास्तु पुरुष मंडल को पूजने लगो। ये आपके घर की एनर्जी है,
अंधेरी एनर्जी पे, आपके घर की उस एनर्जी पे जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, लोग उस टाइम के हीलर मास्टर जो भी आप वर्ड दे पाए उनको, जितना प्रणाम कर पाए आप उनको, वो लोग उस टाइम के एक उन्होंने स्ट्रक्चर पैदा किया। उस स्ट्रक्चर का ये नाम दिया कि ऐसे ऐसे करके ये घर में रहेगा, और अगर इन इन जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है, उस टाइम में जो उन्होंने डिटेलिंग की प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम की डिटेलिंग सीधी सीधी ऐसे आनी शुरू हुई कि आप यहां से 1 2 3 4 करके आपने देखा कि 1 2 3 4 करके ऐसे ऐसे होता है, और इतने प्रकार की प्रॉब्लम है, घर बनाया जाए। 3 और 4 में जाएगा जयंत इंद्र में, तो वहां से उनका अच्छा रहेगा। ये देव होते हैं, ये जो 3 4 के होंगे, या आप सीधा समझ लो कि अगर ये जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है और जो ट्रू नॉर्थ होता है, जब उस टाइम में ट्रू नॉर्थ होता होगा तो ज्यादातर जो जमीनें होती होंगी और ज्यादातर जो मकान होते होंगे वो सीधा सीधा होता होगा, बीच में ज्यादा उसमें फर्क नहीं होता होगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ में और ट्रू नॉर्थ में उस टाइम में ज्यादा फर्क नहीं होता होगा। तो उन्होंने देखा अगर यहां से सीधा बीच से बना लो या बीच के साइड से बना लो, फिर उन्होंने एक शास्त्र रचना शुरू कर दिया। शास्त्र में उनका जो अनुभव था, ग्रह के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से और चीजों के हिसाब से जो उनका अनुभव था, उस हिसाब से उन्होंने वास्तु पुरुष मंडल की रचना की। वास्तु पुरुष मंडल ये, वास्तु पुरुष मंडल के उसके बाद उन्होंने पैर पे दिया लास्ट में, अगर सर यहां पर है तो पैर तो यही होगा। फिर उन्होंने कनेक्ट किया पीपल को, यहां से आप यहां नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, यहां साउथ ईस्ट में जाएंगे, आप देखोगे, और मेरा ये अनुभव है, अब तो प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं आपको, जो प्रॉब्लम होती है आदमी के उस अंग में प्रॉब्लम होती है, मैं केवल मुद्रा से, मैं केवल एक्यूप्रेशर से वास्तु कर देता हूं, कभी कभार एक्यूप्रेशर से वास्तु कर चुका हूं मैं कई बार, आदमी के लेफ्ट कंधे में वास्तु पुरुष बैठे हैं ना, यहां पर राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, यहां नॉर्थ आ जाएगा, भूदर आया चेस्ट पे, और ये आ गया यहां पर लेफ्ट, लेफ्ट कंधे में जब भी आदमी को अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम हो, कस्टमर कम आए, इस टाइप में प्रॉब्लम हो, उसके लेफ्ट कंधे, लेफ्ट जॉइंट में जहां पर जाता है ना, लेफ्ट पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आप लोग भी देखना, जिन जिन के साथ ये प्रॉब्लम होती है वहां आप देखोगे उसके लेफ्ट कंधे में ये जो पार्ट है ना वहां पर प्रॉब्लम होती है। अब ये मैंने इतना बड़ा हिंट दिया है, इससे आप पूरा लेकर चले जाओगे कहीं भी, उससे क्या क्या होता है, और उसका मैंने फोन पे ही बताया इस पॉइंट को, मैं एक्यूप्रेशर में अच्छा जानता हूं, तो फोन पे ही बताया इस पॉइंट को, आप ऐसे ऐसे दबाओ इसको, 2-3 दिन में देखो, और फिर 4-5 दिन में वेट करता रहा, मैं लिख के रख लेता हूं, फोन नहीं करता क्या हुआ नहीं हुआ, अगर वहां से फोन आ गया तो ठीक है। उन्होंने 4-5 दिन में बताया कि कुछ आराम सा दिखने लगा है, फिर हमने वास्तु के जो उपाय हैं वो करने शुरू कर दिए। ये होता है जो शुरुआत में मैं कह रहा था, सतयुग में वास्तु पुरुष नहीं थे, इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि उस युग में वास्तु पुरुष क्यों नहीं थे। अगर आदमी सात्विक होता है तो वहां पर प्रॉब्लम ही नहीं आती है। सात्विक एनर्जी है, ये सत्व की एनर्जी है, ये रज की एनर्जी है और ये तम की एनर्जी है। ये एनर्जी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आदमी यहां पर जाना चाहता है, ये एनर्जी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आदमी इधर नहीं जाता, इधर भी नहीं जाता, आदमी किसी मतलब का नहीं रह जाता, ये मृत्यु की एनर्जी है, मरने के कगार पे जाना शुरू कर देता है, जितना ठहरता जाएगा उतना ही मरता चला जाएगा, उतना ही मरता चला जाएगा। रज की एनर्जी जब बढ़ती है, ये एनर्जी अगर आपको इसमें से कोई एनर्जी बढ़ानी होती है, इस पे 3-4 सेशन में लूंगा, सत्व रज तम पे 3-4 सेशन लूंगा, कौन कौन से विचार से आपके सात्विक एनर्जी आपकी बढ़ती है, विचारों से सात्विक एनर्जी नहीं बढ़ती, कौन कौन से विचार से रज की एनर्जी बढ़ती है, कौन कौन से विचार से तम की एनर्जी बढ़ती है, कौन कौन से तम के विचार हैं, कौन कौन से रज के विचार हैं। केवल भोजन करने से कुछ नहीं होता, मांसाहार पी ले, आदमी शराब पी ले, इन चीजों से कुछ नहीं होना, ये तो पेट में जाकर खत्म हो जाएगा, फिर कल परसों 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन में उसकी एनर्जी फिर आपकी एनर्जी में कंपेटिबिलिटी होनी शुरू हो जाएगी। मगर जो विचार आप दिन में 50 बार लेते हैं, 500 बार लेते हैं, 1,00,000 बार लेते हैं दिन में,
और एक ही टाइप का अगर विचार लेते रहते हैं, वो रज से संबंधित, तम से संबंधित विचार लेते रहते हैं, तो वो एनर्जी, तो वो शरीर तो आपका इफेक्ट करेगा ना उसमें। इस पे हम कभी डिटेलिंग में जाएंगे कि कौन से विचार को हमें कैसे लेना है। अब ये सत्व वाली एनर्जी पे चलते हैं। सत्ययुग में जो चार प्रकार के युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसमें वास्तु पुरुष की रचना नहीं की गई थी, इस बात का ध्यान दीजिए। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि तंत्रा वास्तु केवल शरीर पे वर्क करता है, वो इसलिए बोल रहा हूं, शरीर को अगर हम सात्विक बना लेंगे किसी भी तरह से, किसी भी वजह से, किसी भी विधि से, किसी भी विद्या से, अगर हम शरीर को सात्विक बना लेते हैं तो वहां पर फिर इफेक्ट होना कम हो जाता है। जितना हम सत्व की तरफ जाते रहते हैं, जितना ग्रेविटेशन फोर्स हमारे ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर कम काम करता है, लेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर ज्यादा काम करता है, उतनी ही इन चीजों का इफेक्ट हमारे ऊपर होना कम हो जाता है, प्रॉब्लम्स का इफेक्ट हमारे ऊपर कम होता है, फिर खत्म हो जाता है, इफेक्ट होता ही नहीं है। ये जो इफेक्ट है ना, ये हमारे रज में होने के कारण है। हमारे त्रेता युग में आने के बाद जब हम भागना शुरू हुए, आपको पता है पेरिस, पेरिस कब के लिए, पेरिस कब के लिए विख्यात है, पेरिस मतलब क्या, पेरिस में रात, मुंबई मतलब क्या, मुंबई में रात देखने वाली होती है, नहीं तो रात ना हो ना, रात में लाइट बंद कर दो, रात में अगर रज ना हो मुंबई में, रात में भागा दौड़ ना हो मुंबई में या पेरिस में या कहीं जहां जहां मैंने नहीं देखा, आप लोगों ने बहुत दुनिया देखी है इस मामले में, तो वहां पर अगर रज ना हो तो खत्म हो गया वो। अब वो रज में जाने के बाद विक्षिप्त हो गए, पागलपन के कगार पे आ गए अभी तक। और हमारे हाथ में जब तक ये युग था, मतलब आदमी सात्विक था, बैलेंस एनर्जी का था, तब तक वास्तु पुरुष की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये युग कैसे आ सकता है, अब युग तो नहीं आने वाला, ना कोई ऐसी बात होने वाली, जो समय बीत गया सो बीत गया, वो मर गया, वो खत्म हो गया, अब नहीं आना, अब अनादिकाल तक आपके जीवन में नहीं आना। अब होगा कैसे, तो हम इस शरीर को उस युग का बना लें, रहें ऐसे ही, मैं रह रहा हूं ना, मैं आपको यहां तक पहुंचा दूंगा, अभी और भी मेरे पास और भी चीजें हैं, अभी तो मैंने तंत्रा न्यूमेरो निकाला है, तंत्रा न्यूमेरो में बहुत सारी चीजें मैं दे दूंगा, बहुत मैं सत्व में रहने की बहुत सारी विद्या दे दूंगा आपको, तंत्रा वास्तु में मैं केवल शरीर से वास्तु कर दूंगा, वस्तु से मैं जाऊंगा ही नहीं वास्तु करने, शरीर को ठीक कर लो, जब क्लाइंट को ठीक करना हो तो उनको, उनके भी शरीर पे इफेक्ट कर दो, देना तो रिजल्ट ही है ना, बाकी आपको पैसे पैदा करने या जो भी करना है उसके लिए आप वास्तु कर दो, ऊपर से कर दो या जैसे भी करना है, मगर होता यही है, ये प्रूफ है उसका। सतयुग में आपके वास्तु पुरुष का जन्म ही नहीं हुआ था, त्रेता युग में वास्तु पुरुष का जन्म हुआ, और इतने लंबे समय तक वही 45 एनर्जी फील्ड है जो हमारे ऊपर काम कर रही है, हमने इसमें और एनर्जी फील्ड जोड़ा नहीं है अभी तक, मैंने तो जोड़ा है इसमें और एनर्जी फील्ड, जो जीवन के और क्षेत्र होते हैं, कहां कहां से जीवन इसमें जाएगा, कहां कहां से जीवन को ठीक किया जा सकता है, जीवन के और कौन कौन से पहलू होते हैं, वहां से मैंने तो जोड़ा है, मैंने इसको आगे बढ़ाया है, समय आने पर मैं आपको दूंगा। यस जी, प्रॉब्लम है इन माय हस्बैंड, नो अपॉर्चुनिटी एंड पेन वेयर यू पॉइंटेड इन द हैंड, सर रेमेडी क्या है, वाह वही प्रॉब्लम आ भी गई, रेमेडी क्या है, एक तो आप मसाज कर दो, मसाज करके वहां पर ठीक कर दो, पहली बार उसको आप ठीक करो, उस प्रॉब्लम को उसको आप घुलाओ, जैसे आप शरीर को करो, मैं मेडिटेशन तो नहीं दूंगा, मैं वो चीजें तो नहीं दे रहा हूं अभी जो मेरे रेमेडी का पार्ट है, आपको वैसी बता दे रहा हूं, आपको कंधे, आप एक जो मैं दे चुका हूं वो आप ले लो, ये मुद्रा लगाओ, ये वायु मुद्रा है, ये वायु मुद्रा है, आपके जब भी कभी इधर से प्रॉब्लम हो, इधर से प्रॉब्लम हो, ये गर्दन में ना पीछे से ऐसे यहां कंधे तक जब भी आपको कभी प्रॉब्लम हो, तो आप ये वायु मुद्रा लगाओ और ऐसे करो हाथ को, और इसको एंटी क्लॉकवाइज करो 15 बार, अभी किसी के हो तो करो अभी, जस्ट ठीक हो जाएगा, फिर करो क्लॉकवाइज 15 बार इसको, अभी आप करते 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 में ही ठीक हो जाएगा,
जस्ट राइट नाउ ठीक हो जाएगा, उनसे भी कराइए, एक दो दिन में वो स्थिति भी ठीक हो जाएगी। रही बात अब अट्रैक्ट कैसे करें, बुलाएं कैसे, कस्टमर लाएं कैसे, तो कस्टमर लाने के, कस्टमर नहीं आने के बहुत सारे, कि कस्टमर कैसे कैसे नहीं आता है। एक केवल आप उसमें नॉर्थ नहीं देख सकते, यहां नहीं देख सकते, ये तो मैंने एक आपको बताया है, इसके और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, किस तरह से काम करना है, कौन कौन सी दिशाओं को ठीक करना है, फिर उसमें कौन कौन से देवताओं को ठीक करना है। हमें तो ये पता ही नहीं है, SSW में हमें टॉयलेट बनाना है और SSW में एक ऐसे देवता रहते हैं जो बर्बाद ही कर देंगे अगर SSW में कोई टॉयलेट बना ले तो। एक देवता रहते हैं जिसपे तो हमने टॉयलेट बनाया, एक देवता ऐसे रहते हैं जहां हमने टॉयलेट बनाया ना तो पूरे घर का, घर के जो लोग होते हैं वो ओझहीन हो जाएंगे, तेजहीन हो जाएंगे, उनके चेहरे पे तेज ही नहीं दिखेगा। हमें एक दिशा मिल जाती है और उसके बाद हम उसमें जीना शुरू कर देते हैं, ये इतना ही नहीं होता, हमें डिटेलिंग में भी जाना होता है। डिटेलिंग में हम लोग नहीं जा पाते हैं। अभी एक सज्जन है, उन्होंने फोन किया था, 3-4 लोगों ने बताया है, वास्तु वाले LIC एजेंट की तरह हो गए, इतने हो गए हैं नए नए लोग, ब्लड में तो जाने दो चीजों को। अब मैं कुछ आपको अपने बारे में भी बता देता हूं, जो मैंने अभी उसके पंचांग के लिए एक बनाया। अब होता क्या है, इस मार्केट में मैंने देखा है, पूरे मार्केट में देने वाला कोई नहीं है, देगा नहीं कोई, थूकेगा, सब थूक फेंकेगा, 4 दिन में करा दिया, कुछ नहीं आता है इनको, ये लोग तो ऐसी है, ये लोग तो वैसी है, इनको कुछ आता नहीं है, ये क्या जाने 4 दिन में होता क्या है। अरे उनको समझाओ, बच्चे हैं, सीख के आए हैं, कोई ना कोई व्यापार का साधन लेकर आए हैं, कुछ न कुछ समझ रहे हैं कि इज्जत प्रतिष्ठा से कमाऊंगा, चोरी चकारी तो नहीं करने जा रहे, किसी का ही, किसी के लिए ठीक ही तो करने जा रहे हैं, किसी के घर को अच्छा ही तो बनाने जा रहे हैं, अच्छी इंटेंशन से जा रहे हैं। उनको समझाओ, पंचांग किसी को नहीं पता है, पंचांग के बारे में किसी को नहीं, मैं आज के टाइम में 99% लोगों को बता रहा हूं, वास्तु वालों को, जो वास्तु जिनको, इसका मतलब ये नहीं कि आप खार खा जाओ कि ये ऐसे बोल रहे हैं, 99% लोगों को पंचांग डिटेलिंग में नहीं पता है, पंचांग देखना नहीं आता, तिथि वगैरह के बारे में नहीं पता है, कौन सी तिथि होनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी पूरी न्यूमरोलॉजी कर लेंगे, उनको पंचांग का पता ही नहीं है। न्यूमरोलॉजी वाले, उनको पंचांग का पता ही नहीं है, उनको तिथि का पता ही नहीं है, उनको योग का पता ही नहीं है, कौन सा योग कैसा होता है, कौन से योग में करना चाहिए। अब तुम पूरे पूरे न्यूमरोलॉजी पे लेकर चले जाओगे, पूरी दुनिया तो उस पे जाएगी नहीं, इतने सालों से नक्षत्र और ज्योतिष आ रहा है, इतने सालों से हो रहा है, इतनी जल्दी तो आप उस जाल को तो तोड़ नहीं पाओगे। बेहतर यह है कि उसको भी सीख लो, बेहतर यह है ना कि उसको भी सीख लो, दोनों को मैच करके काम करो। न्यूमरोलॉजी में अगर कोई दिन आपका अच्छा होता है, उस दिन आपकी तिथि भी अच्छी हो, आपका नक्षत्र भी अच्छा हो, फिर आपके लिए वो सोने पे सुहागा हो गया ना, वो सीखने में क्या जा रहा है। एक सज्जन मुझे लिखते हैं मैसेंजर में, मेरा स्टाफ है जो मैसेज करता है आप लोगों को, पहला क्वेश्चन वाला कि क्या आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग यस बोलते हैं तो उसका फिर अगला वाला मैं करता हूं। वो सज्जन मुझसे कह रहे पैसे नहीं है, ये नहीं कहा उन्होंने कि मुझे सीखना है, उन्होंने कहा पैसे नहीं है। मैंने उन्हें लिख के दिया कि आप 5-6 EMI बना लो 999 रुपए का, 100-100 रुपए, जब वो भी जब आपकी माली हालत ठीक हो जाए तब आप इतने में 8-9 महीने में कर देना, फिर सीख लेना। मतलब 999 रुपए में लोग पूछने भी, वो जुड़ना भी चाहते हैं। 999 रुपए में आदमी जब एक बार घर से बाहर जाता है ना, पिंक वाला नोट टूट के हरा वाला नोट बन जाता है, घर से बाहर गया और लौट के अंदर आया, इतने में पिंक वाला नोट टूट जाता है, हरा वाला नोट बन जाता है। 999 रुपए में कोई आपको आपके हाथ में दे रहा है, वो पैसे से मतलब नहीं है यहां पर, यहां पर सीधा सीधा है कि कौन कनेक्ट कौन होना चाह रहा है, उसको सीखना कौन चाह रहा है। ये तो यूं भी दे देता है आदमी, इतना तो मैं बताता रहा हूं, घर से निकलो पिंक वाला नोट हरे वाले नोट में बदल के आ जाता है 2-3-4 घंटे में।
आप और आपको आपकी भाषा में कोई देने आ रहा है, ठीक से आ रहा है, उस वाले ग्रुप से आप लोग जुड़िए। उस वाले ग्रुप में जितने लोग हैं, जाना चाह रहे हैं और जाना चाह रहे थे, उनको मैं बता दूं, वो ग्रुप जब शुक्ल पक्ष चालू होगा अगले महीने से, और अगले महीने मेरा कोर्स है तंत्रा न्यूमेरो का, जब हो सकता है उसके पहले मैं एक सेशन ले लूंगा और उसके बाद में ज्यादा सेशन लेकर जल्दी समझा दूंगा, याद कराऊंगा आप लोगों से। जुड़िएगा वही जो याद करने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा कि हमने दे दिया पैसा, तो मैंने लिया ही नहीं है, भूल जाइए, वो पैसा कोई पैसा होता है, वो तो लिया ही नहीं है। मैं याद कराऊंगा आपसे जितने भी योग होते हैं, जितने भी नक्षत्र होते हैं, जितने चरण होते हैं उनके, कभी भी बीच में किसी से पूछ लूंगा, कसम दे दूंगा बीवी बच्चे की कि आप सही बिना देखे बताओ। इस मामले में मैं थोड़ा आदमी सख्त हूं, मैं टीचिंग बहुत शुरू से करता हूं, ज्ञान देने का ही काम रहा है हमेशा, तो मैं जानता हूं कैसे आदमी को कैसे बातों में पढ़ा लूं। एक बार अगर राइम्स पढ़ा दूं ना किसी बच्चे को, दोबारा उससे सुन लेता हूं मैं, दोबारा याद नहीं कराता हूं। एक बार अपने बच्चे को भी कभी भी एक बार पढ़ाता हूं, दोबारा सुनता हूं, अगर कभी पढ़ाता हूं तो, जब ऐसा टाइम आता है, एक बार पढ़ा दिया, दोबारा सुनता हूं, फिर उसे याद करने के लिए कहता नहीं, और तीन बार चार बार में पूरा याद हो जाता है, पता ही नहीं चला कैसे हुआ। टेक्निक होती है अपनी, मैं पंचांग को ना रटा दूंगा सबको, और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे कुछ मिल जाए, मुझे तो आपकी, आप लोग ब्लेसिंग दोगे ना दोगे, मुझे तो अपने आप ही मिलता रहेगा, मैं हूं ही, मैं खुद ही अपने आप में ब्लेसिंग हूं। मगर ये शास्त्र, जो इस शास्त्र को गाली देते हैं ना, जो इन लोगों को कहते हैं कि ये बच्चे हैं, चार दिन के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा, इनको ये, इनको कुछ आता ही नहीं है, उन लोगों को समझा रहा हूं, आप देना शुरू करिए। बच्चे हैं, चार दिन सीख के आए हैं, पांच दिन सीख के आए हैं, कुछ कदम तो बढ़ाया उन्होंने इस रास्ते पे, आप देना शुरू करिए। हम समझाएंगे, मैं समझाऊंगा उन सबको, यहां से शुरू कर रहा हूं, आगे सारे शास्त्र में ले जाऊंगा।